छोटा उदयपुर अलीराजपुर में बच्चों की खरीदी बिक्री के मामले को लेकर कई नई तथ्य सामने आ रहे हैं और यह पूरा मामला प्रदेश भर में चर्चा का विषय बन गया है। पता तो यह भी चला है कि बच्चों को 50,000 से लेकर 3,00,000 रुपए तक में बेचा जाता था। पुलिस द्वारा अभी तक इस पूरे मामले की तहकीकार करने के बाद कुल 27 से अधिक लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। पता तो यह भी चला है कि इसमें डॉक्टर राजू नदार मुख्य आरोपी है, जो बच्चों की खरीदी बिक्री का काम करता था। इस पूरे के पूरे मामले में राजू नदार की जो भूमिका सामने आ रही है, उससे यह पता चलता है कि ये शातिर ऐसी महिलाओं की तलाश करता था जो प्रेग्नेंट होने पर बच्चों से छुटकारा पाना चाहती हैं। ये उनसे संपर्क करके उनसे भी पैसे ले लेता था और उनके बच्चों को बाहर भेज देता। इसने एक आश्रम भी खोल रखा था, जिसे केसर आश्रम कहा जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस आश्रम के माध्यम से बच्चों की खरीदी बिक्री का पूरा व्यापार किया जा रहा था। डॉक्टर राजू के बारे में बताया जाता है कि यह शातिर कन्याकुमारी का रहने वाला है और इसने लगभग 20 साल पहले एक अस्पताल में नौकरी की और उसके बाद खुद का अस्पताल खोल लिया। इसके बारे में यह भी जानकारी बताई गई है कि ये ऐसी महिलाओं की तलाश करते थे जो प्रेम संबंधों के कारण या अवैध संबंधों के कारण मां बन गई है और उनकी बच्चों की खरीदी बिक्री का मामला तय करने के बाद ये बच्चों को बेच भी देता था।